या तो मुझे तारिक जमील साहब से मिलवा दें या फिर मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इन दोनों के अलावा मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। बातें करना है, दिलासा देना है, मत दो। मेरे हालात खराब है, मुझे काम दो। आई वॉज लाइक यू नो प्ले बॉय टाइप वाला बंदा जो होता था ना, मैं कहता हूँ इतना कोई मजे का ये इस्लाम, अगर आपने इसको जज कर लिया भाई, आप जाओ पार्टियों में जाओ, आप जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, जो करना है सब करो। जो आपको ये जो मौलवी देते हैं जी 100,000 दफा ये पढ़ो, 200,000 दफा ये पढ़ो, ओ भाई कुछ नहीं है ये, अल्लाह के नाम पे ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। We are sitting with none other than Agha Shiraz. आज अभी पिज़्ज़ा द वुमन स्टोर की ओपनिंग पर आगा शिराज साहब तशरीफ लाए और मुझे कहने लगे कि रावी बहुत अच्छा लगा आपका काम। तो मैंने कहा भाई मैं आपसे भी जरूर ये थोड़ा सा वक्त लूंगी कि पहले तो ये बताएं कि थोड़ा सा ब्रेक सा नजर आ रहा है, मैं तो टीवी नहीं देखती हूँ लेकिन आपके जो फैंस हैं उनको हल्का सा ब्रेक फील हो रहा है, ये क्या वजह? वो कहते हैं ना कि इंसान को जिस चीज की जस्तुजू हो उसको मिल जाती है। मैं शूट्स पर इतना बिजी हो गया था तो मैं अल्लाह से थोड़ा सा ना रावी पता पीछे हो गया था। मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला मुझे अपने करीब कर और पैसा भी दे और अपने करीब भी कर ले। मैं इस लाइन से थोड़ा सा, क्योंकि हालात ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि शोबे में सारे दोस्त हैं। क्योंकि मैंने जिन लोगों को 2000 से लेके 2005 तक पकड़ के चलना सिखाया, ठीक है ना, और आज वो लोग उस सीट्स पर बैठे हुए हैं जो हेड है अभी चैनल्स के। मेरा एक फेज ऐसा गुजरा था कि इसमें 2 साल मैं बड़े टेंशन में गुजरा। ओके, मैं वापस गया उन दोस्तों के पास हेल्प लेने के लिए और वही दोस्त जिन्हें आपने चलना सिखाया, अच्छा फिर जिनको शोबिज की अलिफ की बे नहीं पता थी और आज वो लोग माशाल्लाह से बड़े बड़े चैनल पे हेड बने। मैं गया उनको, मैंने कहा मेरे हालात ऐसे, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, ठीक है ना, फॉर ग्रांटेड ना लेना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 5,000 पर डे ले लो, 10,000 रुपए नहीं, मैं ऐसे हूँ, मुझे काम चाहिए। बस उन्होंने यहाँ पे आंखें रखी है और यहाँ पे आंखें रखने का मतलब क्या है? दज्जाल, क्योंकि दज्जाल की भी यहीं पर आंखें होती है, मुहावरा है ना ये, यहाँ पे आंखें, आप दज्जाल से तशबीह दे रहे हो। यस, तो उन्होंने यहाँ पे आंखें रखी तो मेरे मुझे फिर नजर आ गया, मैंने यार दज्जाल तो यही है, हम किस दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। मैं उसको देखने लगा, फिर सूरह कहफ की मुझे आयत याद आई, मैंने ठीक है सामने मैं कह के वापस आ गया। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से जब उसके करीब हो ना उस रब के, तो सुकून हो गया लाइफ में, ठीक है। मैंने कराची छोड़ के इस्लामाबाद आ गया हूँ, सुकून से सोता हूँ, सुकून से उठता हूँ, नमाजें 5 वक्त की नहीं पढ़ता, ये मैं क्यों झूठ बोलूं लोगों की तरह कि जी हम 5 वक्त की नमाजें, ये नहीं, जितनी कोशिश होती है मैं पढ़ता हूँ लेकिन खौफ़े खुदा है, ठीक है। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। और कैसा चल रहा है कंस्ट्रक्शन? एक्सीलेंट। अच्छा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि बिल्कुल ही टूट गए हो और कहा हो? क्योंकि मैं खुद ऐसे फेस से गुजरी हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा कुछ, कोई भी ऐसा रिलायबल कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल ही कोई ऐसा दिन हुआ हो कि यार सब कुछ खत्म है अल्लाह, अब मैं आई सरेंडर माईसेल्फ टू यू, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब मैं तेरी रजा पर जाऊँ, बिल्कुल जब लोगों ने बहुत ज्यादा दुख दिया, कोई एक दिन मुझे बताइए। बहुत दफा जब मेरे साथ ये 2 साल का मेरा एक फेज ऐसा गुजरा था कि इस पे मतलब सिवाय मौत के मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था और मैंने फेसबुक भी लिख दिया था, यस यस, टाइम डेट सारा। डिड समवन कम टू सपोर्ट यू एट दैट? नहीं, कोई भी नहीं था। आप परेशान थे, आपको उस वक्त जरूरत थी कि कोई आपके साथ, देखो बातें करने वाले मैं आपको बताऊं कि लोग टांग बदल, बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्हें कहो ना कि सपोर्ट करो तो वो यू फाइंड नोवेयर, नोबडी अराउंड। यस, तो वो मैं यही कहता, मैंने कहा देखो अगर बातें करना है, दिलासा देना है, मत दो, मैं भी, मेरे हालात खराब है, मुझे काम दो। तो खुदकुशी क्यों नहीं की फिर? करने वाला था, फिर मैंने अपना फेसबुक पे लिखा कि या तो मुझे तारिक जमील साहब से मिलवा दें या फिर मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इन दोनों के अलावा मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने अल्लाह ताला मुझे उस बंदे से मिलवाना इन दोनों में से जो सच्चा हो, क्योंकि मुझे सच की तलाश है। मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुलाकात हुई, मैं उनके पास गया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने सारा समझाया, सिवाय हदीस की किताब से और कुरान की किताब से उन्होंने कोई तीसरी किताब नहीं निकाली। माशाल्लाह, हमारे यहाँ क्या है, हमारा हर फिरका अपनी किताब पे चलता है, वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता, वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। मैं सोच रहा हूँ जब यार ये आपस में इनमें एक नहीं है तो मैं इस बंदे को क्यों फॉलो करूँ इस फिरके को।
फिर जब मेरी मुलाकात हुई अली भाई से, उन्होंने कहा बेटा मुझे भी नहीं फॉलो करो, फॉलो किसको करना, इन किताबों को तुम खुद पढ़ो, मेरी बात पे यकीन मत करो, अगर तुम्हें यकीन आता है हाँ ये किताब सही कह रही है उसको फॉलो करो। आप मैं हर फिरका एक अल्लाह को मानता है, एक कुरान को मानता है, कियामत वाले रोज को मानता है, हर चीज को मानता है, तो भाई फिर डिफरेंशिएट क्यों, डिफरेंसेस क्यों, कलमा हमारा एक है। मैंने एक बहुत बड़े जो आलिम है, एक फिके के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, टीवी पर एक शो था पीटीवी के, रमजान का, 25 साल हम बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मैं सर किसके पीछे नमाज पढ़ू, कह रहे जिनका अकीदा अच्छा हो। अच्छा पहले मैं उन सवाल कर रहा था, उन्हीं से जवाब भी ले रहा था। मैंने कहा सर एक सवाल का जवाब दें, अकीदे का मतलब कलमा गो, कहते हैं हाँ, मुसलमान, मैंने हाँ, कियामत पर यकीन रख, कहते हैं हाँ, मैंने एक अल्लाह पर यकीन, कहते हैं हाँ, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कहते हैं हाँ। मैंने भी यहाँ पे तो हर फिरका यही, फिर तो मैं सबके पीछे, अच्छा वो खामोश, उनके पास कुछ बोलने को है नहीं, ठीक है, नहीं बेटा ये मतलब नहीं था, मैं समझ गया, मैंने ठीक है सर। खुदारा किसी फिके को मत फॉलो करें, किसी फिरके को मत फॉलो करें, बहुत प्यारी, आप सिर्फ मुसलमान हो, ठीक है, आप मत पढ़ो हजार किताबें, क्योंकि किताब भी बंदों की लिखी हुई है, जो किताब फॉलो करना है वो है आपके कुरान और नमाज, दैट्स इट बस, और मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से खुश हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ रबी, मैं कहता हूँ मैं उस रब का, मैं 10,000 दफा भी मर के जिंदा हो जाऊं ना, और उस 10,000 साल की जिंदगी में मैं खाने काबा में सजदे पे भी रहूंगा, तो मैं कहता हूँ मेरी शायद मैं उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकूं कि उसने मुझे दलदल से उठा के मुझे मतलब ऐसी जगह पे बिठाया है ना कि मैं, अल्लाह ताला तो कुरान पाक में कहते हैं तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, तो आप माशाल्लाह जिस तरह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं आपको तो अल्लाह की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अच्छा शोबिज में अक्सर ये होता है ना कि चूंकि वो एनवायरमेंट ही ऐसा बना होता है, हर कोई आप जैसे कुरान पाक में भी है कि आपकी जो सोहबत होती है वो आप पे बड़ा असर रखती है, और अंग्रेज भी कहते हैं कि अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, तो वहां पर चूंकि सारा माहौल ही ऐसा था, तो ड्यूरिंग योर पीक टाइम जब आपका पीक था ड्रामा के अंदर एंड यू नो कि यू वर बिजी एवरी डे और यहाँ पे ग्लैमर और ये खवातीन और ये आपको पता है मॉडल्स दिखाना, सो इवन दैट टाइम यू हैड सम कनेक्शन विद अल्लाह या वो रंच के बाद कनेक्शन में था? अच्छा मैं सारी चीजें ना खुल के बताऊं, मेरी वाइफ कहती है मत खुल के बताए, और मैंने कहा देखो शब, मेरी वाइफ का नाम शब है, मैं कहता हूँ शब कितना प्यारा नाम है, पूरा नाम क्या है? शब शिराज। माशाल्लाह शिराज, किस शिराज का मतलब क्या? बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स है ना दे आर पर्शियन। अच्छा हाँ, कुर्दिस्तान। ओके, तो शिराज मेरा वहां से नाम है, और जो बेटा है वो आमिश, आमिश का मतलब है एक संस्कृत भी नाम है एक और फारसी नाम भी है। अच्छा आमिश, आमिश माशाल्लाह बड़ा मुश्किल नाम है ये, तुम लोग इतने मुश्किल मुश्किल अपने बच्चों के नाम ले लेते हो, आमिश और बड़े मुश्किल नाम होते हैं, वो तो याद भी बड़े मुश्किल से होते हैं, बट दिस अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा हाँ, ये इसका नाम लग रहा है जैसे शहजादा कोई होता है। बेसिकली आमिश का मतलब है संस्कृत में फूलों का गुलदस्ता। अच्छा, और फारसी में है सच्चा, लेकिन दोनों नहीं है ये है? ओ, ये ऐसा फंसाता है मुझको ऐसा फंसाता है कि आपकी सोच है। आई वॉज लाइक यू नो प्ले बॉय टाइप वाला बंदा जो होता था ना, कि मतलब ग्लैमरस दुनिया है, हर चीज आपको बंदा बन जाता है, टीन एज थी पता नहीं था, लेकिन जब भी मैं कोई गुनाह करके आता था ना रात में, हमेशा मैं दो रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह से माफी मांगता, ये मेरा रूटीन था, कहता अल्लाह मैं हूं नहीं ऐसा, मुझे बचा, मुझे बचा, मैं हूं नहीं। करते 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 मुझे एक साहब मिले, हमारी मुबारक मस्जिद है कराची में, असर की नमाज पढ़ रहा था मैं बाहर आके ना बरामदे में ना दुआ कर रहा, तो फ्रॉम नो वेयर एक बंदा बराबर में आया, मेरे यहाँ पे हाथ रखा ना, वो बंदा कहता है कि बेटा दुआ मांगनी है ना, ये दुआ मांग कि अल्लाह तुझे गुनाहों से बचने की ताकत दे। हाँ। मुझे एकदम से, मैंने बोला यार इस बंदे ने ये बात क्यों बोली, उस वक्त मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा मैं क्या बोलूं, उस वक्त मैं टोटली उस बंदे को देख रहा था, कह रहा ये दुआ मांग कि अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से बचने की ताकत दे, गुनाह से तू नहीं बच सकता कभी भी, तुझे कदम कदम पे गुनाह मिलेंगे, वो मुझे ताकत दे, बस वो जो
ऐसी दुआ की है, इंसान फरिश्ता नहीं है, ज़ाहिर बात गुनाह होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह थे उनसे, क्योंकि कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहते हैं तू बड़े बड़े गुनाहों से बचेगा, छोटे गुनाह में तेरे वैसे ही माफ कर। और दूसरी बात, ये बड़ी प्यारी बात की आगश राज ने, और हमें इनसे सीखना भी चाहिए कि देखिए हम गुनाहगार से नफरत करते हैं, नफरत गुनाहों से करें। हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, आप पाकिस्तान को बुरा नहीं कहें, पाकिस्तानियों को ठीक करें। जैसे वो अक्सर मेरे सामने कभी खाना रख दे ना, तो वो लोग बोलते हैं यार खाना बहुत बुरा बना हुआ है। मैंने ना ना ना, ना खाना बुरा नहीं बना हुआ, खाना बुराने बनाने वाला बुरा है। तो ये जो चीजें हैं इनको आप समझें, और जैसे मैंने कहा कि हर इंसान के दिल में जो अल्लाह का इसके साथ जो रिश्ता होता है, यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको नहीं पता चलता कि यार मेरे सामने से जो मॉडर्न कोई लड़का जो है वो सीटी बजाता हुआ गुजर गया, क्या पता वो अल्लाह से आपके ज्यादा नजदीक हो। मुझे ये बताएं कि जो लोग अल्लाह को ढूंढना चाहते हैं तो वो क्या करें, वो किस तरफ जाएं? जैसे आपने कहा कि मौलाना तारिक जमील और इंजीनियर मिर्जा साहब जो थे, यू हैड टू ऑप्शंस, लेकिन डू यू थिंक कि हमें लोगों के पास जाकर ही रब मिलता है या हम खुद से भी ढूंढ सकते हैं? कोई गुनाह करो, बहुत बड़ा गुनाह करो, अगर दिल में हल्का सा मलाल आ गया कि यार मैंने नहीं करना, समझो तुम्हें रब मिल गया, और अगर तुम्हें गुनाह करने का फखर महसूस हो, समझो तुम्हें शैतान मिल गया। ये रब को पाने का तरीका है। ये वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं राबी, जो मैंने एक्सपीरियंस की है। देखो गुनाह करता था यार नहीं, अल्लाह ताला मैं जाके रात में माफी मांगता, अल्लाह मुझे नहीं है। दिल को साफ रखो, दाढ़ी जो है सबसे लास्ट स्टेप है आपका इस्लाम में आने में। हमारे यहां क्या है कि हम कभी कई बार जा रहे होते हैं ना, बहुत 8-9 मौलवी आ जाते हैं, हम लिटरली भागना शुरू हो जाते हैं, अबे भाई अब ये दिमाग की दही करेगा। बिल्कुल सही है, ये मेरे साथ हुआ है। बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, हम भाग जाते थे, अबे भाई क्रिकेट को छोड़ो, इनको इनसे बचो। आप देखें यूट्यूब पे कितने यंगस्टर्स हैं जिनकी क्लेश है, वो जब अल्लाह की बातें कर रहे होते हैं आपको असर हो रहा होता है उनकी बातों पे। मैं कभी कभार कहीं बैठा हुआ बात कर रहा होता हूँ तो लोग बैठ के सुन रहे होते हैं, यार ये पता नहीं आपकी बात पे असर है यार, ना आप वो हुलिया भी नहीं है, ना इमामा शरीफ पहने हैं, ना आप जुब्बा पहने हैं, ना पुत्र। मैंने कहा ये चीज होती है सिर्फ मोहब्बत। जब तुमने अपने रब से इश्क करना शुरू कर दिया ना, वो सलाहियतें, वो तोहफे तुम्हें दे देगा कि लोग बोलेंगे यार नहीं यार इस बंदे से मिलना है। हम इश्क करते हैं लड़कियों से, हम इस चीज से इश्क करते हैं, हम पागल हो जाते हैं कि जी लड़कियों के लिए हम तोहफे ताइफ दे रहे हैं तो रातों को जाग रहे हैं। एक दिन ये एक्सपीरियंस कर ले, सिर्फ एक दिन, एक दिन अपने रब से इश्क करके देखो बस। मैं नहीं कह रहा 10 दिन करो, 5 दिन, एक दिन, तोहफे भी आपको मिलेंगे, आपको देने की जरूरत नहीं होगी तोहफे, आप जो चाहोगे आपको वो चीज मिलेगा, करके तो देखो। मैंने एक दिन किया था वही वाली एक्सपीरियंस वाली आप यो, मैं सोच रहा हूँ मैंने यार मुझे बिना मांगे मुझे चीजें मिल रही है, मैं भाड़ में गई दुनिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दीन की तरफ आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे पेरेंट्स की इबादत का भी होता है। तो आप अपने माँ बाप के बारे में बताएं, बहुत इबादत गुजार हैं। अब्बा तो नहीं है अब्बा चिल है फुल। अम्मी अम्मा जो थी वो बहुत अभी क्योंकि उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। एनी स्पेशल मैसेज, अभी रमजान भी आया, यस यस, व्हिच यू वांट टू कन्वे? तो दो चीजें हैं, ये करो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नंबर एक, जो कुरान का निचोड़ है वो है नमाज और अस्तगफार की तस्बीह, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बहुत प्यारी बात किया, कुछ भी नहीं है। जो आपको ये जो मौलवी देते हैं जी 1,00,000 दफा ये पढ़ो, 2,00,000 दफा ये पढ़ो, ओ भाई कुछ नहीं है ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए वो लोग, ठीक है ना, चंदे के पैसों से उनका वो चल रहा है। खुदारा ये अल्लाह के नाम पे ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ नमाज पढ़ो 5 वक्त की और अस्तगफार की तस्बीह 24 आवर्स अपने मुंह पे रखो। राबी मैंने वो काम होते हुए देखे हैं कि सामने मौत खड़ी हुई है, मैंने लोगों के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन इसी कहते हैं ये हम दो करती है, कहते हैं हम अस्तगफार की तस्बीह कर रहे होते हैं, हमने सामने मौत देखी है और गुजर गए, डाकू आए हैं यूं देखा है, चलो कह रहा हमसे तस्बीह करते रहते, कहता आगा भाई से आप वाली बात है कि हम तस्बीह 24 आवर्स अस्तगफार और कुछ नहीं, दुरूद है और अस्तगफार, दैट्स इट बस। ओ भाई मैं कहता हूं इतना कोई मजे का ये इस्लाम,
अगर आपने इसको जज कर लिया, अगर आपको समझ आ गया कि दीन है क्या, भाई आप जाओ पार्टियों में जाओ, आप जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, जो करना है सब करो। कुरान में साफ लिख दिया कि भाई ये नहीं करो इससे दोजख मिलेगी, ये करोगे इससे जन्नत मिलेगी। अब मैं जीन्स पहना, मुझे बहुत से मेरे फिरके के सारे दोस्त हैं, अगर भाई जीन्स ना पहने, ये ना पहने, मैंने क्यों, मैं फौरन से ना ये वाक्य सुनाता हूँ उनको, मैंने मुझे बताओ दो चीजें हैं, कहते हैं हाँ, अगर भाई ये बातें ना क्या करें, जहां भी ऐसी कोई चीज होती है मैंने मुझे बता दो जन्नत है दोजख समझ जाते, कहते ठीक है पहन ले, अब मैं जीन्स पहन के घूम रहा हूँ। ये सिर्फ आपके यहां पर है, ये चीज क्लियर होगी ना ऑटोमेटिकली, ये चीज क्लियर होगी। जब तक आपका दिमाग नहीं क्लियर होगा ना, आपका दिल में आपके वसवसे आते रहे, याद रखिएगा क्या कहता है शैतान, दिल में वसवसे डालेगा, दिमाग में क्यों नहीं डालता। जब तक आपका ये नहीं क्लियर होगा, और ये क्लियर किससे होता है, एक्सरसाइज से। वो एक्सरसाइज क्या है, जब आप सजदे में जाते हो, सजदे में जाते हो आपका चेहरा जमीन पे आता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारी होती है, और आप कहते हैं ना इंसान के चेहरे पे नूर आ गया है, वजह क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन वो हो जाता है। हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं आपको यही कहती हूँ ना कि हमें कभी पता नहीं चलता, हम किसी इंसान को देखें हम जज करें कि वो अल्लाह के बारे में क्या राय रखता है, अल्लाह से उसका कितना ताल्लुक है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज शिराज साहब से उनके दिल की बातें की, और आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि हम हर इंसान से ना अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जब हमने अल्लाह के पास जाना होता है ना, अल्लाह के अल्लाह से अपना ताल्लुक एक बनाना होता है, तो हम रिलेट कर सकते हैं, यार उसने ये बात की थी, वो तो मेरे साथ भी हुआ था, उसने ऐसे सोचा, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन करें कि बहुत खुशी हुई, और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझ रही हूँ कि मैंने इतनी प्यारी बातें, इतनी दीन की बातें जो है वो आपसे सीखी, आपसे समझी। और मैं अब मुझे नहीं पता था कि आज मेरी रावी से मुलाकात होगी और ये पॉडकास्ट होगा और अल्लाह की बातें होंगी, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ ना मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जिस महफिल में जाऊँ ना एक या दो मिनट का तेरा जिक्र बस करवा दे के। और आज देखें जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो ऊपर जो है वो अल्लाह अपने फरिश्ते से हमारा जिक्र कर रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यकीन करें कि मैं बड़े दिल से अभिषा पर आपको, आपके बेटे को, आपके बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी, और आपके काम के बच्चे की दुआएं, दुआ ये करना कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर जरूर बुलाए जल्दी से, मेरा बहुत ये है कि अल्लाह से। चल लड़के तेरी ये दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह जो है आपको बुलाएगा।